आज दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राजनाथ सिंह ने एससीओ मीटिंग से पहले चीन के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, बैठक में एलएसी पर हालात समेत कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। चीन के मंत्री से चर्चा पर रक्षा मंत्रालय का बयान, राजनाथ सिंह ने कहा मौजूदा समझौतों के उल्लंघन से संबंधों की संपूर्ण बुनियाद को पहुंचेगा नुकसान। आज 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश में रेडियो कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा, 84 जिलों में लगाए गए ट्रांसमीटर। अमित शाह ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ की बैठक, सीआईएसएफ समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। त्रिपुरा में बीजेपी नेता पर अज्ञात बदमाशों का हमला, हमले में घायल हुए नेता, मामले की जांच जारी। धरने पर बैठी पहलवान विनेश फोगाट का बयान, कहा हमारी किसी ने नहीं सुनी, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं, सब्र खत्म हो गया। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जारी करेगा नोटिस, रिहाई के आधार की जांच की मांग। राजस्थान के पाली में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, जन आक्रोश, महासभा में डीएम को ज्ञापन देने को लेकर हुआ विवाद। आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला, कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में 865 नए मामले आए सामने, एक दिन में कोविड से 3 लोगों की गई जान। कर्नाटक के चुनावी रण में बीजेपी के धुआंधार रैली, आज चिकमंगलूर में जनसभा, अमित शाह करेंगे भव्य जनसभा, साथ ही शिवमोगा में जनता से करेंगे संवाद जेपी नड्डा। कर्नाटक में आज राहुल गांधी की 3 जनसभा, कर्नाटक चुनाव को लेकर करेंगे जनता से सीधा संवाद। मंगलुरु में राहुल गांधी की जनसभा, कहा प्रधानमंत्री ने एक भी वादा पूरा तो मुझे सदन से निकाल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बयान, कहा मोदी जहरीले सांप की तरह, आप जहर चखेंगे तो मर जाएंगे। पीएम पर बयान देकर चौतरफा गिरे खड़गे, सीएम बोम्मई ने कहा खड़गे के मन में जहर है, जनता सबक सिखाएगी। आज पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक, चंडीगढ़ की बजाय लुधियाना के सर्किट हाउस में होगी ये बैठक। अतीक और अशरफ की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग, आज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल के गैंगस्टर केस में आएगा फैसला, गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। आज उत्तरी बंगाल के जिलों में 12 घंटे बाद का बंद का आह्वान, बीजेपी ने दिनाजपुर में लड़की की मौत को लेकर किया बंद का ऐलान। उत्तर दिनाजपुर में कथित रेप हत्या मामले में बंगाल पुलिस को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस, आईजीपी डीएम और एसपी से 7 दिन में मांगे रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में सीबीआई की छापेमारी, 94,000 के नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। छतरपुर में हुआ निर्भया कांड जैसा हाल, युवती को अगवा कर चलती गाड़ी में गैंग रेप, 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, फायरिंग और चाकूबाजी में थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल।
कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दो निजी सहायकों के साथ मारपीट, मामले में 5 गिरफ्तार। दिल्ली के लामपुर बॉर्डर कॉलोनी में गोलीबारी हमले में 3 घायल, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। कटिहार में जेडीयू के वरिष्ठ नेता कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक सवार हमलावरों ने की गोलीबारी, पड़ोस में रह रहे 2 युवकों पर हत्या का आरोप। पटना के रूपसपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। बिहार के दानापुर में दिन दहाड़े गोलीबारी में 1 की मौत, अज्ञात आरोपियों ने कार सवार शख्स पर चलाई गोली। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आईडी बरामद। महाराष्ट्र के थाने में क्राइम ब्रांच ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 1.5 करोड़ कीमत की 5 हाथी दांत भी बरामद। कश्मीर के किश्तवाड़ में घर में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जलकर खाक हुआ घर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पलक्कड़ में कार की टक्कर के बाद गैस टैंकर्स में से गैस रिसाव, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, यातायात को किया गया डायवर्ट। बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा पर रोक, यात्रियों को सोनप्रयाग से आगे जाने की इजाजत नहीं, 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड, मलबा रोड पर आने के कारण फंसे कई वाहन। दिल्ली में 2 दिवसीय मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रैंड टेक्नोलॉजी शो, ईआरडी ग्रुप ने पीएम मोदी की पहल पर किया कार्यक्रम का आयोजन। बॉलीवुड के 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आगाज, सलमान खान ने किया अवार्ड शो को होस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड में कई सितारों ने की शिरकत। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड, इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड, फिल्म बधाई दो के लिए राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। शिवा चड्ढा को फिल्म बधाई दो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, अनिल कपूर को भी फिल्म जुग जुग जियो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। सिंगर अरिजीत सिंह को केसरिया गाने के लिए मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, वहीं रंगसारी के लिए कविता सेठ को भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म डंकी के शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे शाहरुख खान, ब्लैक शीट्स और लेदर जैकेट में आया नजर। नुसरत भरूचा का ट्रैक बरेली के बाजार रिलीज, फिल्म छत्रपति के लिए सुनिधि चौहान ने गाने की बोल गाए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के सेट पर नजर आए जूनियर एनटीआर, फिल्म में जूनियर एनटीआर की कैमियो रोल की कयास लगा रहे फैंस। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड मामले में आज आएगा अंतिम फैसला, सूरज पंचोली पर लगे सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में होगी सुनवाई। भारत और इंग्लैंड की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास आज से 11 मई तक चलेगा ट्रेन। ऑपरेशन कावेरी के लिए 2 सुपर हरक्यूलिस और 1 C-17 ग्लोब मास्टर तैनात, 766 भारतीयों को किया गया अलर्ट। सुडान संकट से लौटे गोरखपुर बस्ती के 31 नागरिक, योगी सरकार ने एसी बसेस और लग्जरी गाड़ियों से घर तक पहुंचाया।
अमेरिका के वेस्कॉन्सिन में मिनी वैन में लगी आग, पुलिस ने गाड़ी से रेस्क्यू कर बुजुर्ग की बचाई जान। रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंदियों को किया आजाद, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया 40 रूसी सैनिक वापस देश लौटे।